ए साहब और ब्रो सब खैरियत फ्रेंड हो गए सीधा हाथ में दे लेंगे। सो टुडे आई एम बैक विथ BMW टू चेंज द इंजन ऑयल। आज हम इसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं है, बस इसमें थोड़े बहुत चीज़ें चेंज करने वाले हैं, इंजन ऑयल सर्विस करेंगे और इसका कॉस्टिंग में मैं बताऊँगा आपको। अगर आप शोरूम के पास जाओ तो डेफिनेटली इसको आप समवेयर अराउंड 35,000 to 40,000 हो जाएगा, बट इधर हम कॉस्टिंग में बात करेंगे। तो सर इसमें क्या क्या डलवाने वाले हों आज? इसमें ऑयल चेंज करने वाले हैं, फिल्टर चेंज करने वाले हैं और एयर फिल्टर चेंज करने वाले हैं, कूलेंट टॉप अप करने वाले हैं और सभी चीज़ का स्टॉक आ चुका है हमारे पास, हम चेंज कर रहे हैं। तो एयर हाइज का ऑयल, इसमें बाय डिफॉल्ट कैस्ट्रोल का जो रिकमेंडेड होता है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो BMW कैस्ट्रोल लिखा है। सो आई डोंट नो इनका क्या है, बट कैस्ट्रोल मैग्नेटिक। अभी SUV है ना भाई, इसमें क्या भी प्रॉब्लम नहीं? सो आई एम नॉट श्योर इसमें SUV है, बट आई डोंट नो, बट इसमें चलेगा नहीं, बट देख लो आप। 5W30 3.5 लीटर के दो आप इसमें डलवा सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। ये रहा इसका एयर फिल्टर, ये रहा इसका डीजल फिल्टर, सॉरी नहीं, ये है इसका ऑयल फिल्टर और ये रहा इसका एयर फिल्टर। तो अभी हम उसको चेंज करेंगे। तो गाड़ी आप देख सकते हो यही गैरेज है इसकी, सबकी जो नई गैरेज में बोल रहा था वो वही है। तो गाड़ी हम अभी जैक डाल चुके हैं, तो थोड़ी सी हाइट हो गई है। बाकी अब देखो यार क्या लगती है गाड़ी वाइट कलर में। BMW का ऑयल है, बहुत काला हो चुका है। आई थिंक इसको आई गेस 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा ही चला दिया इन्होंने। तो इसमें क्या होता है कि जब ऑयल आप चेंज नहीं करोगे तो इसमें पार्टिकल्स, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं, वो जाके रब करके पिस्टन को बहुत ख़राब कर सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि आफ्टर 9,000 किलोमीटर्स और 15,000 किलोमीटर्स के बाद चेंज करना ज़रूरी है। जैसे कि अभी पूरा ऑयल डाउन हो चुका है, तो दिस इज़ व्हाट द न्यू एयर फिल्टर लुक लाइक। ये पूरा न्यू एयर फिल्टर है और पुराना आप देखो, बस कंपैरिजन के लिए मैं दो भी रख रहा हूँ, ये है न्यू, वो है ओल्ड। क्या हालत हो चुकी है, कैसा जो मालूम नहान चाहता है, मैं तब से ढूंढा कहाँ था शीशे करके माशाल्लाह। तो ये रहा पुराना ऑयल फिल्टर जो इस कंडीशन में आप देख सकते हो, नया वाला कहाँ है, पूरा चला गया वो। दिस इज व्हाट न्यू वन लुक लाइक, दैट्स द ओल्ड वन। तो अभी इसका ऑयल हमने टॉप अप कर दिया, अभी एयर फिल्टर का जो इसका जो हाउसिंग आता है वो बिठाने वाला है, एयर फिल्टर का हाउसिंग, तो वो रहा। बाद में एयर फिल्टर हम उसमें फिट करेंगे, देन गाड़ी इज रेडी। हल्लू धीरे धीरे उतार, तो लेट्स गेट इनसाइड। अभी हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं गाड़ी को। सर्विस ड्यू अभी आ रहा है इधर, सो वी नीड टू चेक व्हीकल इंफॉर्मेशन। कोड क्लियर करना, कोड क्लियर करना, पर स्कैन करता
हाँ ये भी क्लियर करना चीज़ा। अभी हमें ओटीपी स्कैनर डालना पड़ेगा, अभी मैंने अटैच कर दिया। तो जैसे ही वो मैक्सिमम लेवल दिखा था पहले वाले ऑयल में, अभी मैं जाके इंजन ऑयल का स्टेटस देख रहा हूँ, तो आप देख सकते हो इट्स लाइक इंजन ऑयल ओके लेवल। तो अभी मैं व्हीकल सर्विस रिक्वायर्ड पर जाता हूँ, तो अभी आप देख सकते हो सारे सब क्लियर हो चुके हैं, मैंने उसको चेंज कर दिया, तो अभी मोस्टली कोई भी चीज़ नहीं है इधर। तो नाउ वी आर गोइंग फॉर अ टेस्ट राइड, अभी जो चला के देख रहे हैं इंजन ऑयल सर्विस के बाद कैसी स्मूथ लगती है गाड़ी। तो मोस्टली ये फ्रेम में आपको वीडियो अच्छा दिखेगा, तो मैं बस ये लड़का देख रहा हूँ अभी, इसको कभी गाड़ी मत देना मैं बैठा बैठा पीछे चला गया था। सो नाउ थोड़ा सा स्मूथ तो दिखेगी चलाने समय। देन ओवरऑल कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो क्या हुआ सर कॉस्टिंग इसका? 8,900 रुपीज़ प्लस सर्विस चार्ज सब मिला के 10 से 12,000 में आपका सर्विस हो जाएगा। अगर आप अच्छे मैकेनिक के पास करा रहे हो तो 10,000 आपको मान के चलो, विच इज़ क्वाइट फेयर, बिकॉज जैसे आप शोरूम के पास जाके देखोगे तो डेफिनेटली इट विल बी कॉस्टिंग लाइक 37,000 to 40,000, उसके हिसाब से तो 1/4 कॉस्ट हो गया, सो विच इज़ प्रिटी गुड। तो बस यही तक था आज का वीडियो, सो अपकमिंग वीडियोज़ के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।